आज सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसे कि आप लोग को पता है, आज कुरान खानी और गुसल का पहला दिन है सरकार के संदल का। तो माशाल्लाह से कापुड़ी के एक जो मस्जिद है वहाँ से मदरसे से पूरे बच्चे आए और मुकम्मल कुरान शरीफ की पूरी तिलावत हुई। एक कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल सरकार पे बख्शा गया और उसके बाद लंगर खाने और कुरान खानी पूरी तरह से किए गए। तो आज से मैं ट्रस्टी साहब भाई जबर शेख पिपड़े ग्रो दरगाह ट्रस्ट कमेटी की तरफ से आप सबको ये जाहिर करता हूँ कि संदल शरीफ शुरू हो रहा है और आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आए हुए सभी मेहमानों का इंशाल्लाह साहिब सरकार के सदके से आप एक बल मामले होंगे और इस्तकबाल भी किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर आए, कल शाम को 7 बजे सरकार का संदल निकाला जाएगा और आज रात को 12 के बाद सरकार का गुसल शरीफ होगा। सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तरफ से आप सभी को संदल शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह के 6:30 बजे है अभी और माशाल्लाह से सरकार का संदल भी चढ़ चुका है और अभी देखिए दरगाह भी बंद हो चुकी है और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं क्योंकि सरकार का गुसल अभी जस्ट हुआ है। तो जैसे हर साल की रीत है, हम लोग गुसल के बाद किसी को ज़्यारत करने देते नहीं, सीधा संदल के बाद ही अब ज़्यारत होगी। फ़िलहाल सरकार का गुसल मुकम्मल हुआ है और पूरी तरह से संदल भी पेश हुआ है और आप सभी का संदल शरीफ में इस्तकबाल किया जाता है। और देखिए निशान शरीफ भी चढ़ा है सरकार का ऊपर, देखिए वहाँ पर माशाल्लाह से निशान भी बहुत माशाल्लाह दिख रहा है। तो आप सब भी आइए कल, इंशाल्लाह कल शाम को 7 बजे के बाद संदल निकलेगा और दावत आम का लंगर का भी पूरा तरह से इंतज़ाम किया गया है और सरकार की ज़्यारत करिएगा और दावत का लुत्फ भी उठाइएगा। मिलता हूँ सबको, दुआ में याद रखना और सरकार से दुआ करते रहना।